comments, like, share, subscribe. Comments, like, share, subscribe. Comments, like, share, subscribe. अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं चीजी एग टोस्ट। चीजी एग टोस्ट के लिए हम जो चीजें ले रहे हैं, 10 स्लाइस ले रहे हैं, 2 अंडे ले रहे हैं, 3 अदद मोज़रेला चीज ले रहे हैं, 1/2 कप टमाटर ले रहे हैं, 1 कटी हुई शिमला मिर्च ले रहे हैं, 1 कटी हुई प्याज ले रहे हैं, 1 कटी हुई और ग्रीन चिली ले रहे हैं, 2 कटी हुई। व्हाइट पेपर ले रहे हैं 1/2 टीस्पून, नमक ले रहे हैं 1/4 टीस्पून, एरोगेनो ले रहे हैं 1/2 टीस्पून, ऑयल ले रहे हैं 2 टेबल स्पून। बस पहले एग लेंगे हम, एग को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें चीज डालेंगे, 1/2 चीज में डाल रही हूँ, 1/2 हमने ऊपर लगाने के लिए रखा है, और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें व्हाइट पेपर डालेंगे, प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, टमाटर डाल देंगे, और ग्रीन चिली डाल देंगे। लास्ट में हम ओरेगानो डाल देंगे। ओरेगानो हम इसलिए डाल रहे हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बैटर हमारा तैयार हो गया, अब एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे हम चारों तरफ फैला के। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, एक स्लाइस लेंगे, स्लाइस को अंडे में डिप करेंगे जो हमने बैटर बनाया हुआ है, इस तरह करके। और चाहे तो ऊपर से भी लगा सकते हैं। एक और तैयार करेंगे, उसे भी हम पकड़ के इस तरह रख देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं, जैसे एक साइड पकती है हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, एक साइड पक चुकी है, और दूसरी साइड को पकाएंगे। अब इसको भी बदल लेंगे हम, ये देखिए। अब देखेंगे चेंज करके, ये देखें, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है, अब इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। जो बाकी के बच्चे हैं हम वो बना लेंगे। जो बचा हुआ ऑयल था वो डाल रही हूँ मैं, इसे गर्म करेंगे और उसी तरह हम तैयार कर लेंगे जो बाकी के बचे हुए थे हमारे। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे जो हमारे बचे हुए थे। ये तैयार है, हम इन्हें निकाल लेंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारे चीज़ी एग टोस्ट। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े की हैं, आप घर में बनाएं, बहुत ही इजी रेसिपी है ये, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी और स्पेशली आपके बच्चों को। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स, लाइक, अगर आपने share, अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।